पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हाजी इफ्तखार अली प्रबंध निदेशक कोहिनूर क्राफ्ट के आवाज पर पूर्व राज्यपाल का आगमन हुआ। इस दौरान पूर्व राज्यपाल का स्वागत हाजी इफ्तखार अली के द्वारा किया गया। इसके पश्चात मौलाना सैयद काब रशीदी द्वारा संबोधन किया गया। हाजी इफ्तखार अली द्वारा भी संबोधित किया गया और संबोधन के अंत में हाजी इफ्तखार अली द्वारा पूर्व राज्यपाल फखरे मिल्लत अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अपने संबोधन में पूर्व राज्यपाल द्वारा कहा गया कि हम सबको देश हित में कार्य करने हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम अपने मुल्क में आपसी भाईचारा बनाए रखें, इसी से हमारा देश उन्नति और प्रगति की राह पर चल सकता है। साथ ही कुछ लोग अपने हित की राजनीति कर रहे हैं, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी राजनीति करने वालों को हमें उनका विरोध करना है, ये हर भारतीय की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हाजी इफ्तखार अली साहब की दावत पर मैं आया हूँ। हाजी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनके दिल में देश और मुरादाबाद की जनता के लिए अच्छी भावना है और मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। ये इतने बड़े कारोबारी होने के बाद भी देश हित के लिए अपना समय देते हैं, हमें ऐसे ही देश प्रेमियों की जरूरत है। मोहतरम ये तो शख्सियतें जन्म लेती रहती हैं और शख्सियतें अपने कामों से पहचानी जाती हैं। शख्सियतें कोई पैदा नहीं होती, शख्सियतें आपके काम से आपके नाम से पहचानी जाती हैं। गवर्नर साहब आपने जो कौम के लिए कुर्बानी दी है, सीधा सीधा आप जो हकदार हैं फखरे मिल्लत के, उसमें हमें कोई कहने का शक नहीं है। गवर्नर साहब इससे पहले भी हमारे इस देश की धरती पर अनेकों विद्वान अनेकों महापुरुष पैदा हुए हैं, जिसमें महात्मा गांधी लक्ष्मी मौलाना आजाद साहब जैसी शख्सियतें हैं। हम इसी कड़ी में अगर आपको जोड़े तो हमारे लिए फख्र होगा। बहुत बढ़िया, बहुत मोहब्बत है जिसका मैं इतराब करता हूँ। वैसे मेरे दिल में अवार्ड दिया नहीं करता कभी, पहली बार है जो आपने अवार्ड दिया और दिया मैंने आज। मेरा नाम हरपति के लिए तजवीज हुआ था, स्टेट गवर्नमेंट नाम भेजती है तो मेरे सी एम थे पक्का चंद रेड्डी, उनके बाद दिया सर मुझे अवार्ड नहीं चाहिए। बट फिर लोग बड़े बिगे आप आते हैं नाम देखते मिलेंगे नहीं, मतलब हमें नहीं चाहिए। मतलब अवार्ड में अपने आप को शामिल नहीं समझता, अवार्ड में लूँगा वो जो कुछ करता हूँ वो अपने एक आम हिंदुस्तानी की हैसियत से, इंसान की हैसियत से, इंसानियत की खिदमत करने के लिए, मुल्क की खिदमत करने के लिए करता हूँ। अभी हमारे चले गए पी टी आई के साथी, उन्होंने बात की उत्तराखंड की और चार धाम की। हुआ ये जब मैं मेरा ऐलान हुआ, पहले मुझसे पूछा गया गवर्नर सोनी जी ने पूछा तो मैं गवर्नर बनाना चाहते हैं, मतलब बना दीजिए तो उनका बिहार का बनाएंगे तुमको। मैंने चलिए ठीक है, मतलब ये फिर कहीं बिहार का नहीं यूपी का बनाएंगे तुमको। मैंने आपकी मर्जी की बात है, ये अगर मैं उनका बुरा आया तो क्योंकि नहीं हुआ तो उत्तराखंड जाना पड़ेगा तुम लोग। तो मैंने जब मुझे अजीब लगा मुझे कहाँ बिहार कहाँ यूपी कहाँ उत्तराखंड, मैंने कहा बेटा मैंने तो दूर नहीं है गवर्नर जी के काम करने दिए मुझे, मतलब बाकी यानी कहने तो गवर्नमेंट में अलग में समझौते हुआ थे वहाँ गवर्नमेंट कल खड़े गलती थी गवर्नमेंट वहाँ पे आई। वहाँ जब मैं गए तो एक आदमी का रख था खाली वहाँ पे आई, जब मैं वापस आया तो नौ आदमी का रख था वहाँ। तो जब मैं गया तो एक ही जिसमें एडी वफादार हो तो आप काफ़ी तो कर सकता हो संभाल सकता हो गई है तो बड़ा होगा तो मुझे उम्मीद है तो चले गए। जब मेरा अपॉइंटमेंट लेटर अखबार में आया कि ब्रांची गया है तो हमारे जो बड़े मुल्क के बड़े महान व्यक्ति बाबा रामदेव वो अपना प्रवचन कर रहे थे अपने आश्रम में। अभी मुकेश नायक के हमारे मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो मौजूद थे वहाँ पे। तो बाबा रामदेव लगा कि सुनेगा नहीं पागल हो गई है बिल्कुल, मतलब एक भटट्टे को और एक और बेटी बच्ची बेटी हिंदी करूँगा।
घंटे को और इसको बना दिया गौतम महात्मा ने मतलब आगे क्या करेगा जाके वो चार धाम की नगरी में बद्रीनाथ है और केदारनाथ है और करेगा हमारे को सभ्यता है वो कचड़े है वो ये और वही करने मतलब ये काफी वो तो बड़ा बड़ा मन मुझे बात बता बैठ गया तो बुगई ताई ने कहा जब मेरे दुनिया है वो जब बोल तेरे बाबा मैं और तो नहीं जानता लेकिन एक बात मैं कहता हूँ आपसे क्या कहते हैं बुरा लेगी उनको